हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव एरिया। सो आज की वीडियो में हम लोग अपनी क्लास 12th का चैप्टर 3 दैट इज एलिमेंट्स ऑफ फैशन का रिवीजन करेंगे। ये चैप्टर थ्योरी पेपर में 12 मार्क्स का वेटेज रखता है। हम इसको पढ़ेंगे एंड ये वो एलिमेंट्स नहीं है जो हमने क्लास 11th में पढ़े थे, जैसे कि डॉट, लाइन, शेप, ये वो एलिमेंट्स नहीं है। ये एलिमेंट्स ऑफ फैशन है, वो एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन थे। तो इसमें बेसिकली हम लोग फैशन कैपिटल्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से फैशन कैपिटल्स होते हैं और वो फैशन कैपिटल कैसे बने, ठीक है। और हम जो फैशन की तीन मेन कैटेगरीज होती हैं, दैट इज मेन्स वेयर, वुमेन्स वेयर एंड किड्स वेयर, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो कि हमने क्लास 11th के चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, फैशन की डेफिनेशन। फैशन क्या होता है? फैशन इज अ प्रिवेलिंग स्टाइल ऑफ ड्रेस दैट इज पॉपुलर एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एंड इज एक्सेप्टेड बाय अ वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस। तो फैशन क्या होता है? फैशन एक ऐसा प्रिवेलिंग स्टाइल है जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे काफी पॉपुलर होता है अमंग वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस। सो फैशन रिफ्लेक्ट्स अ सोसाइटीज प्रिवेलिंग कस्टम्स, उसकी पॉलिटिकल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस और उसके कल्चर को भी फैशन क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि आज अगर हम बात करें तो आज किसी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कुछ और है, फ्यूचर में कुछ और हो सकती है, तो उस टाइम का फैशन कुछ और होगा, आज कुछ और है। तो फैशन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम की कंडीशंस को, प्रिवेलिंग कस्टम्स को रिफ्लेक्ट करता है। फैशन इज एन एवर चेंजिंग एंड इन्फ्लुएंशियल फोर्स, क्योंकि फैशन कभी भी स्टेबल नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। इट रिफ्लेक्ट्स अवर लाइफ स्टाइल ऑल्सो, अवर लाइफ स्टाइल दैट इज द वे वी लिव, वॉट वी ईट, वॉट वी वेयर एंड द एक्टिविटीज वी इंडल्ज इन, क्योंकि फैशन सिर्फ क्लोथिंग से रिलेटेड नहीं होता, ये भी हमने क्लास 11th में पढ़ा था। फैशन मिरर्स द वैल्यूज एंड ट्रेंड्स ऑफ सोसाइटी, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ प्रोस्पेरिटी फैशन टेंड्स टू बी एक्स्ट्रावेगेंट, लेकिन अगर डिफिकल्ट टाइम्स होते हैं, जैसे कि अगर हम COVID-19 का एक एग्जाम्पल उठाएं, तो उस टाइम क्या हो गया था? फैशन सस्टेनेबल मोड में चला गया था बिकॉज लोगों की इनकम नहीं हो पा रही थी, पैंडेमिक चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, तो लोग क्या कर रहे थे? अपने पुराने कपड़ों को ही, स्क्रेप को ही यूज कर रहे थे। तो सस्टेनेबल फैशन का ट्रेंड COVID-19 में बहुत ज्यादा बूस्ट कर गया। तो फैशन डिपेंड करता है टाइम्स पे, ठीक है, कि उस टाइम की कंडीशंस किस तरह की हैं। तो अगर अच्छा टाइम होता है तो उस टाइम फैशन काफी एक्स्ट्रावेगेंट होता है, काफी न्यू स्टाइल्स आते हैं, लेकिन अगर डिफिकल्ट टाइम्स होते हैं तो फैशन काफी मॉडेस्ट हो जाता है। सो फैशन प्रोड्यूसर्स फॉल इनटू 3 बेसिक कैटेगरीज, दैट इज हॉट कुतूर, रेडी टू वेयर डिजाइनर लेबल्स एंड मास मार्केट, मास प्रोड्यूस रेडी टू वेयर। सो इनको हम इलैबोरेटली भी आगे डिस्कस करेंगे, पहले जान लेते हैं कि ये तीन कैटेगरीज क्या होती हैं। हॉट कुतूर प्रोड्यूसर्स आर द एस्टैब्लिश्ड डिजाइन हाउसेस दैट मेक वेरी एक्सपेंसिव गारमेंट, ये हाई फैशन गारमेंट होते हैं, काफी एक्सपेंसिव मटेरियल को यूज करके, हाई क्राफ्ट्समैनशिप को यूज करके बनाए जाते हैं। रेडी टू वेयर और प्रेट-अ-पोर्टर लेबल्स, ये रेडी टू वेयर गारमेंट्स होते हैं, दीज आर डिजाइन बाय इन हाउस डिजाइन टीम फॉर लार्ज कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बेसिकली डिजाइनर वेयर ही होता है, लेकिन इन मच अफोर्डेबल प्राइसेस, मीन्स ये इतने ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, थोड़ी अफोर्डेबल होते हैं और डिजाइनर्स ही इनको डिजाइन करते हैं। वेयर एज मास प्रोड्यूस रेडी टू वेयर गारमेंट्स मे बी आउटसोर्स टू डेवलपिंग कंट्रीज वेयर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज पर पीस प्रोडक्शन एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, ये मास मार्केट के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं, बेसिकली ये डिजाइनर्स की कॉपीज होती है जो कि मास मार्केट में बेची जाती है और बहुत ही लो प्राइस में बेची जाती है। ओके, सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज हॉट कुतूर, ये हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था जब हम लोग टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर में, तो हमने उसमें पढ़ा था कि हॉट कुतूर एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है हाई फैशन। हाउ वाज हॉट कुतूर फैशन स्टार्टेड, ये कैसे स्टार्ट हुआ? फाइन ड्रेस मेकिंग स्टार्टेड विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंच फैशन प्रोड्यूसर्स,
मींस कुछ फ्रेंच फैशन प्रोड्यूसर्स थे, उनका एक ग्रुप था जो कि कुतूरियर्स के नाम से जाने जाते थे। हॉट कुतूर गारमेंट्स आर हाई फैशन गारमेंट जिसमें एक्सक्लूसिव डिजाइन होते हैं, मींस ये डुप्लीकेट नहीं बनते हैं, एक ही पीस बनता है। एक्सपेंसिव मटेरियल इसमें यूज होता है, स्किल्ड क्राफ्टमैनशिप इसमें यूज होती है, काफी हाई क्वालिटी मटेरियल इसमें यूज किए जाते हैं जिसकी वजह से इसका प्राइस बहुत हाई हो जाता है। एज द नंबर ऑफ कुतूरियर्स ग्रू, अ ट्रेड एसोसिएशन ला शेम्ब्रे सिंडिकेल डे ला कुतूर पेरिसिन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1868। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक ट्रेड एसोसिएशन था जो कि पेरिस में फॉर्म हुआ, जिसमें कि कुतूरियर्स जो हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप ले सकते हैं, इसके मेंबर बन सकते हैं। सो ये 1868 में एस्टैब्लिश की गई थी। किस लिए? टू डिसाइड क्राइटेरिया ऑफ अ कुतूर हाउस, कि एक कुतूर हाउस कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसके उसको शोज कब करने हैं, उसको किस तरह के डिजाइंस प्रोड्यूस करने हैं, एंड टू डील विद द चैलेंजेस इन द मार्केट एंड द कंज्यूमर सेगमेंट। मेंबरशिप इज लिमिटेड टू डिजाइनर्स हु मीट द स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशंस, मींस कोई भी डिजाइनर इसका मेंबर नहीं बन सकता है, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करना पड़ेगा, स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशंस को मीट करना पड़ेगा टू बी अ मेंबर ऑफ दिस Association. However, French nationality is not a qualification. Means, अगर कोई Indian designer भी है तो वो भी इस association का member बन सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो सारी specification को qualification को meet करे। Members have to follow the rules of the association. अपनी अपनी नहीं चला सकते आप, कुछ rules and guidelines होती हैं जिनको कि follow करना पड़ता है। So आपको उसी according अपने fashion shows को schedule करना होगा। आपके डिजाइन ओरिजिनल होने चाहिए, कॉपीड नहीं होने चाहिए, आपको शिपिंग डेडलाइंस को भी मीट करना होगा। मेंबर्स शो देयर एक्सक्लूसिव कलेक्शन ट्वाइस अ ईयर, फैशन के जनरली दो ही सीजन्स होते हैं, ट्वाइस अ ईयर, एक ईयर में दो सीजन्स होते हैं मेनली, दैट इज स्प्रिंग समर एंड ऑटम विंटर। स्प्रिंग समर का जो शो होता है वो जनवरी में किया जाता है, ऑर्गेनाइज जनवरी में किया जाता है वो, एंड जो ऑटम विंटर सीजन का फैशन शो होता है वो बेसिकली जुलाई में होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि स्प्रिंग समर का जनवरी से क्या लेना देना, जनवरी में तो ठंड पड़ती है, लेकिन क्या होता है ना, मार्केट में उस डिजाइन को उतारने के लिए भी तो टाइम चाहिए। तो क्या होता है, शो जनवरी में हो जाता है, देन धीरे 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 क्या होता है, ट्रेंड जो फैशन प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो मास मार्केट के प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो उसको ट्रेंड को स्पॉट करते हैं एंड देन वो अपने डिजाइन में उसको इंक्लूड करते हैं एंड देन वो मास तक पहुंच पाता है। सो जनवरी में स्प्रिंग और समर का शो हो जाता है क्योंकि मार्केट में भी एक डिजाइन को आने में टाइम लगता है। इंडियन डिजाइनर मनीष अरोरा इज अ मेंबर ऑफ दिस एसोसिएशन एंड ही प्रेजेंट्स हिज कलेक्शन रेगुलरली एट पेरिस फैशन वीक। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, और अगर कुछ भी कंफ्यूजन है सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। पेरिस हॉट कुतूर कंटिन्यूज टू होल्ड इट्स सुपीरियर पोजिशन एंड is an industry unto itself, not as profitable but prestige, from prestige point of view. So Paris एक ऐसी जगह है जो fashion की superior position को held करती है। Italian couture was organized after World War II, same as Paris, but not but on a much smaller scale. So Paris एक काफी prestige जगह रखता है अपनी, prestigious जगह रखता है अपनी as a fashion capital. सो इटली में भी एक एसोसिएशन फॉर्म हुई थी, जैसे कि पेरिस में हुई थी, उसका नाम यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं। द इटालियन हाउसेस वाज इन थ्री प्लेसेस, मतलब वो एक जगह पर नहीं था इटालियन हाउस, जैसे पेरिस का जो हाउस था वो एक ही जगह पर लोकेटेड था, बट नहीं, इटालियन हाउसेस तीन जगह पर थे, जैसे कि रोम, फ्लोरेंस एंड मिलान। कुतूर प्राइसेस आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, मोस्ट पीपल कांट अफोर्ड देम, बहुत जो हाई क्लास सोसाइटी होती है, हाई क्लास पीपल होते हैं, वही इसको अफोर्ड कर पाते हैं। दिस हैज कॉस्ट कुतूर बिजनेस टू हैव फ्यूअर कस्टमर्स, जिसकी वजह से जो कुतूर बिजनेस है वो इतने ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं बना पाता। अ लार्ज अमाउंट ऑफ इनकम, तो उनकी इनकम कहाँ से आती है कुतूर हाउसेस की, उनकी इनकम आती है उनके
रेडी टू वेयर सेक्शन से मीन्स जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था प्रेता पोर्टर जो कुतूर डिजाइनर होते हैं उनके प्रेता पोर्टर लेबल्स भी होते हैं। सो कुतूर लेबल्स से उनको इतना प्रॉफिट नहीं होता है जितना कि उनको अपने प्रेता पोर्टर लेबल से हो जाता है। तो वो साइड बाय साइड बिजनेस चलाते हैं दोनों। सो वो क्या करते हैं अपने कुतूर के बिजनेस के साथ साथ अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करते हैं, एक्सेसरीज भी लॉन्च करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनको प्रॉफिट होता है और वो मच अफोर्डेबल होते हैं देन द हॉट कुतूर। द नेक्स्ट इज हाई फैशन रेडी टू वेयर। ये प्रेता पोर्टर लेबल्स होते हैं, ये डिजाइनर्स के ही अपने लेबल्स होते हैं बट थोड़े से अफोर्डेबल होते हैं एज कम्पेयर टू हॉट कुतूर। गारमेंट्स इन वेरी साइजेस रेडी टू बी परचेज फ्रॉम अ स्टोर। आप किसी स्टोर से उनको बाय कर सकते हैं। जो लेबल्स होते हैं जैसे कि मनीष अरोड़ा हो गया, मनीष मल्होत्रा हो गया, तो उनके हॉट कुतूर लेबल भी है और उनके प्रेता पोर्टर कुछ डिजाइनर ऐसे भी हैं जिनके प्रेता पोर्टर लेबल्स भी हैं, तो आप उनके स्टोर से जाके डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। गारमेंट्स इसमें ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूसिव सिर्फ एक ही पीस बना है, सिर्फ एक ही साइज बना है, नहीं, इसमें काफी सारे साइजेस भी बनाए जाते हैं अलग अलग बॉडी टाइप के हिसाब से। दैट वर ओरिजिनली अ सप्लीमेंट्री लाइन ऑफ अ फ्यू कुतूर हाउसेस लेटर ग्रोन इनटू अ फुल फ्लेश्ड इंडस्ट्री। मींस अब कुछ ऐसे डिजाइनर भी हैं जो कुतूर में काम ही नहीं करते, जो सिर्फ प्रेता पोर्टर में काम करते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले कुतूर डिजाइनर के ही प्रेता पोर्टर लेबल्स होते थे। Comparatively, it is lower in price than couture. These designs were different and made by ready-to-wear labels attracted the attention of local and foreign buyers. Couture designers owned ready-to-wear labels and has distinctive styles with two or more collections in a year. They are also designated as creators by the Chambray Syndicale and have been admitted as members. Means, inko bhi as members पेरिस का जो एसोसिएशन है उसमें एडमिट किया गया। सम हाई फैशन रेडी टू वेयर लेबल्स आर सच एज DKNY, म्यू म्यू, प्लीज प्लीज। तो ये कुछ ऐसे रेडी टू वेयर लेबल्स हैं जो कि काफी रिनाउंड डिजाइनर्स के हैं। द रेडी टू वेयर इंडस्ट्री डेवलप्ड इन अदर फैशन सिटीज टू प्रमोशनल एक्टिविटीज सच एज ट्रेड शोज एंड ट्रेड फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर इन ऑगस्ट एंड इन फेब्रुवरी और मार्च इन की सिटीज अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स विच अट्रैक्ट बायर्स। तो इस हाई फैशन रेडी टू वेयर को प्रमोट करने के लिए ट्रेड फेयर्स, ट्रेड शोज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इवन फैशन शोज भी होते हैं इनके टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द डिजाइन्स। ओके, द नेक्स्ट इज मास प्रोड्यूस रेडी टू वेयर। रेडी टू वेयर गारमेंट आर प्रोड्यूस इन लार्ज क्वान्टिटीज एंड इन वेरी वेरी लो प्राइस। तो इसको जो मास मार्केट है वो भी अफोर्ड कर सकता है। तो ये कहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं, बेसिकली ये लो वेज कंट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाए। एशियन कंट्रीज सच एज चाइना, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, मॉरिशियस एंड मलेशिया आर द सेंटर्स फॉर मास प्रोडक्शन बिकॉज दीज आर डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, या फिर डेवलपिंग अगर नहीं भी है तो इस यहाँ इन जगहों पर क्या है, लेबर कॉस्ट काफी कम है। इन साउथ अमेरिका मेक्सिको इज द प्राइम सेंटर, इन यूरोप इट इज पोलैंड, पोर्टुगल एंड टर्की आर द इम्पोर्टेंट क्लोदिंग मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज, क्योंकि यहाँ लेबर कॉस्ट काफी कम आता है जिसकी वजह से जो कपड़े हैं उनका प्राइस काफी कम हो जाता है। दीज क्लोथ्स आर सोल्ड एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस टू द बायर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स in different countries. Mass manufactured garments are generally knockoffs of well-known brands. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, generally ये designers की copies होती हैं. Efforts are made to cut down the cost of production. किस तरह से cut down की जाती है, fabric थोड़ा cheap quality का ले लिया जाता है, जो techniques होती हैं वो थोड़ा cheap quality की लगाई जाती हैं. In the recent past, China has emerged as a mega production giant, selling, producing merchandise at very unbeatable and competitive prices. Okay, तो यहाँ तक हमने तीन main fashion producers के बारे में discuss कर लिया है, that is hot couture and Preta Porter labels and mass market, mass produced ready to wear garments.
अब हम आ जाते हैं अपने फैशन कैपिटल्स पे। सो ये क्वेश्चन वन मार्कर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि नेम द बिग फोर फैशन कैपिटल्स। तो बिग फोर फैशन कैपिटल्स के नाम है लंदन, मिलान, न्यूयॉर्क एंड पेरिस। द रीच ऑफ द इंटरनेट एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी हैज लेड टू द इमर्जेंस ऑफ अदर फैशन सेंटर्स अराउंड द ग्लोब। बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप था पहले, अब वो गैप कम होने की वजह से, इंटरनेट आ जाने की वजह से कम्युनिकेशन काफी इजी हो गया है, जिसकी वजह से दूसरे फैशन सेंटर्स भी इमर्ज हो रहे हैं, जैसे कि टोक्यो, शंघाई, मुंबई एंड दिल्ली, दैट इज इन इंडिया, टोरंटो, दुबई एंड डसलडॉर्फ। ओके, अब हमने ये तो जान लिया कि फैशन कैपिटल्स के नाम कौन कौन से हैं, लेकिन फैशन कैपिटल है क्या? फैशन को फैशन कैपिटल कहते क्यों है एक सिटी को? अ फैशन कैपिटल इज अ सिटी दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द फैशन इंडस्ट्री इन विच द एक्टिविटीज। फैशन कैपिटल क्या होता है? जहां पर प्रोडक्शन, रिटेल, होस्टिंग ऑफ फैशन इवेंट्स, बिजनेस रिलेटेड फेयर्स टेक प्लेस। एक ऐसी जगह जहां पर फैशन से रिलेटेड सारी चीजें ऑर्गेनाइज की जाती हैं, उसको फैशन कैपिटल कहते हैं। फैशन कैपिटल हैज अ डिस्टिंक्टिव कल्चर दैट इंस्पायर्स नॉट ओनली द फैशन प्रोफेशनल्स बट आल्सो द सिटीजंस ऑफ द कंट्री। हिस्ट्री टेल्स अस दैट फैशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कोर्ट्स एंड रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम रॉयल्टी। ऐसा माना जाता है या हिस्ट्री में ऐसे एविडेंसेस हैं कि पहले फैशन लिमिटेड था, सिर्फ राजा महाराजाओं तक लिमिटेड था, डिजाइनर्स सिर्फ उनके लिए ही कपड़े बनाया करते थे, बिकॉज कॉमनर्स तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। ठीक है, कॉमनर्स ज्यादातर कॉटन, लिनन और बहुत रूखे सूखे फैब्रिक्स पहनते थे, बहुत नॉर्मल फैब्रिक्स पहनते थे। जो रिच क्वालिटी फैब्रिक्स होते थे, जैसे कि सिल्क हो गया, वो सिर्फ रॉयल्टी के लिए ही होते थे। सो सिटीज लाइक मिलान, रोम, वेनिस, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, मैड्रिड एंड बार्सिलोना बिकेम फैशन कैपिटल्स बिकॉज दे हेल्ड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड्स। मींस इन सिटीज ने अपने 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 टाइम पे कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस डाला है पूरे वर्ल्ड पे। पेरिस रिमेन्स द सेंटर ऑफ कुतूर एंड हाई फैशन, attracting designers from around the world to showcase their collections and maintaining its top position as a fashion capital. So, अब हम इन fashion capitals को one by one discuss करेंगे कि ऐसा क्या खास है इन cities में और इन cities में किस तरह के fashion को follow किया जाता है। Okay, so the first fashion capital we will discuss here is London. British fashion is known for its excellent tailoring, especially for men's clothing, known as bespoke tailoring, means custom-made clothing for men. Bespoke tailoring का मतलब होता है जो custom fit के according कपड़े बनाए जाते हैं. So British fashion is famous for that. British fashion is also famous for the street fashion. British ready-to-wear fashion began in Carnaby Street, London, and reached high popularity in 1960s. So, British का ready to wear fashion कहाँ से शुरू हुआ? Carnaby Street एक नाम की जगह है London में, वहां से शुरू हुआ ready to wear fashion और popularity इसने कब gain करी? 1960s में. London saw the rise of bold and vibrant styles starting with the modern trend followed by hippie फैशन। सो बोल्ड वाइब्रेंट स्टाइल्स, जैसे पहले बहुत ही सोफेस्टिकेटेड और बहुत ही क्लासिक स्टाइल्स थे, उससे हट के बोल्ड और वाइब्रेंट स्टाइल्स ट्रेंड में आए, देन मॉडर्न ट्रेंड आया फॉलोड बाय हिप्पी फैशन। फ्री स्पिरिटेड एटीट्यूड वाज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रेंडी मिनी लेंथ स्कर्ट्स क्रिएटेड बाय मैरी क्वांट। उससे पहले मिनी लेंथ स्कर्ट्स नहीं पहने जाते थे, ट्रेंड में नहीं थे, तो उनको ट्रेंड में कौन लेके आया? मैरी क्वांट। ये वन मार्कर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है। सो प्लीज रिमेम्बर, मैरी क्वांट क्रिएटेड ट्रेंडी मिनी लेंथ विच रिप्रेजेंटेड फ्रीडम। शॉर्ट ड्रेसेस, क्यूलोट्स, पीवीसी रेनकोट विद हाई बूट्स वर पॉपुलर अमंग यूथ। तो ये जो थोड़ा स्ट्रीट फैशन होता है, बूट्स के साथ ड्रेसेस पहनना, क्यूलोट्स रेनकोट्स के साथ बूट्स पहनना, शॉर्ट ड्रेसेस के साथ बूट्स पहनना, तो ये जो थोड़ा स्ट्रीट फैशन की तरफ रिप्रेजेंट करता है, ये पॉपुलर किसमें था? यूथ में पॉपुलर था। प्रिंट्स लाइक फ्लोरल, ज्योमेट्रिक पेजले, ब्लैक एंड व्हाइट ग्राफिक्स वर सीन।
तो प्रिंस किस तरह के, सॉरी प्रिंस किस तरह के फेमस थे उस टाइम? फ्लोरल प्रिंट्स ट्रेंड में थे, ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स ट्रेंड में थे, पेजले प्रिंट्स ट्रेंड में थे, ब्लैक एंड व्हाइट ग्राफिक्स प्रिंट्स काफी ट्रेंड में थे. ओके, द फैशन इन्फ्लुएंसर्स देन एंड नाउ इंक्लूड सुपर मॉडल ट्विगी, लेट प्रिंसेस डियाना, केट मिडलटन, डचेस ऑफ कैम्ब्रिज, एडिटर इन चीफ ऑफ वॉग, एना विंटर. इसमें आपको सबका नाम याद रखना जरूरी नहीं है, आप कोई भी दो तीन नाम आपको जो इजी लगते हैं वो आप याद कर सकते हैं. डिजाइनर्स सच एज जैंड्रा रोड्स, विवाइन वेस्टवुड, जॉन गैलियानो, तो ये जो डिजाइनर थे बहुत उस टाइम फेमस थे, इनके लेबल्स आज भी बहुत फेमस है. ओके, सो द नेक्स्ट इज मिलान. Milan is in Italy. Italian style is all about blending classic beauty with usefulness seen in everything from lifestyle products to fashion. So, इनके जो products हैं, इनके जो designs हैं, वो बहुत ज़्यादा classic, expensive, high quality के होते थे with functionality. Italy stands out in fashion because of its top-notch fabrics. Means ये high quality fabrics use करते थे, fine workmanship, stylish designs होते थे. Especially in knitwear, sportswear and accessories like leather, shoes and bag. तो ये किस category में specialize करते थे? Knitwear में, sportswear में और accessories भी बनाते थे, जैसे कि leather, shoes and bags. Accessories में सिर्फ jewelry नहीं आती है, आपकी watches, bags, scarves, shoes, ये सब accessories होती है जो clothing के साथ पहनी जाती है. The Italian fashion industry grew alongside couture. तो कुतूर इंडस्ट्री के साथ साथ ही रेडी टू वेयर इंडस्ट्री ने भी ग्रो किया, बट रेडी टू वेयर क्लोथिंग स्टार्टेड बीइंग एक्सपोर्टेड अर्लियर, जबकि रेडी टू वेयर ने मार्केट को जल्दी कैप्चर किया. इटालियन प्रोडक्ट्स आर हाईली वैल्यूड बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली, क्योंकि इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, डिजाइन हैं, बहुत हाई क्वालिटी होते हैं, डिजाइन एक्सेलेंट होते हैं और इटालियन टेक्सटाइल्स की क्वालिटी बहुत सुपीरियर भी होती है. इवन नाउ द इटालियन गवर्नमेंट सपोर्ट्स द फैशन इंडस्ट्री. मिलान इज द मेन प्लेस फॉर इटालियन रेडी टू वेयर शोज. सम रेडी टू वेयर कंपनीज आर ऑल्सो बेस्ड इन फ्लोरेंस दैट हैव मूव टू नॉर्थ एंड नाउ शो इन बोथ मिलान एंड फ्लोरेंस. ओके, द नेक्स्ट कैपिटल इज न्यूयॉर्क. अमेरिकन फैशन इज प्रैक्टिकल एंड वेयरेबल, मीन्स इनके डिजाइन तो अच्छे होते ही थे बट इनकी इंक्लिनेशन फंक्शनैलिटी की तरफ ज्यादा होती थी और ये एवरेज कंज्यूमर को ज्यादा केटर करते थे. रादर देन जैसे पेरिस में कुतूर को काफी प्रेफरेंस मिली, इस तरह से अमेरिकन फैशन एवरेज कंज्यूमर के लिए प्रैक्टिकल कपड़े ज्यादा बनाता था. American designers focus on creating clothes that make people look good, feel comfortable and suit their lifestyles. It became the first country to create active and casual sportswear. ये भी one marker में बहुत पूछा जाता है, तो please remember, it became the first country. So New York was the first country to create active and casual sportswear. Claire McCardell, Donna Karan and Anne Klein popularized jeans. उस टाइम जीन्स इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, इन्हीं डिजाइनर्स ने जीन्स को काफी पॉपुलराइज किया, रैप स्कर्ट्स को पॉपुलराइज किया, जॉगिंग पैंट्स बेसिकली स्ट्रीट वेयर में, कैजुअल वेयर में, स्पोर्ट्स वेयर में बहुत काम किया इन लोगों ने. जॉगिंग पैंट्स, स्वेटशर्ट्स, बॉडी सूट्स एंड ट्रैक सूट्स, मेनली स्पोर्ट्स वेयर. न्यूयॉर्क इज द बिजनेस कैपिटल ऑफ फैशन, ये भी हमको एकदम अंडरलाइन करके रखना है, ये लाइन बिल्कुल ध्यान रखनी है कि न्यूयॉर्क इज द बिजनेस कैपिटल ऑफ फैशन. क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि वाई वाई न्यूयॉर्क इज द बिजनेस कैपिटल ऑफ फैशन, क्यों है? क्योंकि मोस्ट लीडिंग फैशन डिजाइनर हैव देयर ऑफिसेस इन बेस्ड इन न्यूयॉर्क. ट्वाइस अ ईयर द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल फैशन इंडस्ट्री कम टुगेदर इन द मिड टाउन टू कंडक्ट बिजनेस वर्थ बिलियन ऑफ डॉलर्स. दे लुक फॉर न्यू आइडियाज, क्या करते हैं वहां पे मिलके वो लोग न्यू आइडियाज को जनरेट करते हैं, डिजाइनर्स एक साथ बैठ के इंस्पिरेशन, मार्केट रिसर्च करते हैं एंड स्पेशली फोकस ऑन व्हाट्स रियल एंड रिलेवेंट इन फैशन, और लोगों को क्या चाहिए और क्या ट्रेंड में आएगा. अमेरिकन फैशन डिजाइनर्स आर ग्रेट एट अंडरस्टैंडिंग व्हाट कंज्यूमर्स वांट एंड अडैप्टिंग टू देयर लाइफस्टाइल चॉइसेस, तो वो उसी पे बेस्ड डिजाइन बनाते हैं.
The American textile industry has created innovative fabrics like nylon, polyester and lycra, जिसमें कि chemical reactions involved होती हैं, because ये man-made fibers हैं. तो American industry ने कुछ इस तरह के fibers बनाए हैं जिसकी stretchability ज़्यादा है, जिस जो wrinkle resistant है. पॉलिएस्टर जिससे रिंकल रेजिस्टेंट है, उसको बहुत ज्यादा आयरन करने की जरूरत नहीं होती है, विच हैव चेंज्ड द फैशन इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड. द नेक्स्ट इज पेरिस. सो वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ लंदन, मिलान एंड न्यूयॉर्क. द लास्ट इज पेरिस. सो बिग फोर फैशन कैपिटल्स में से पेरिस है. फैशन रॉयल, फ्रेंच रॉयल फैशन हैज बीन एडमायर्ड एंड कॉपीड फॉर सेंचुरीज. पेरिस का जो फैशन है वो हमेशा से ही फेमस रहा है. इन द 18th सेंचुरी रोज बर्टिन, द ड्रेस मेकर फॉर क्वीन मैरी, एक क्वीन थी जिनके लिए ड्रेसेस बनाई जाती थी. कौन बनाता था? उनके एक डिजाइनर थे रोज बर्टिन नाम के, जो कि क्वीन के लिए ड्रेसेस बनाते थे. वॉज इवन गिवन द टाइटल ऑफ मिनिस्टर फॉर फैशन, जो सिर्फ क्वीन के लिए ही बनाते थे. ये जो डिजाइनर थे रोज बर्टिन, सिर्फ क्वीन के लिए बनाते थे, और इनको एक टाइटल भी मिला हुआ था, दैट इज मिनिस्टर फॉर फैशन. इन द 19th सेंचुरी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा. इन द 19th सेंचुरी चार्ल्स फ्रेडरिक वर्थ एंड इंग्लिशमैन, ये ब्रिटिश थे, इंग्लिशमैन थे, लेकिन ये पेरिस में काम करते थे. Who became the pioneer of modern fashion design? इनको father of haute couture भी कहा जाता है. He started by crafting couture gowns based on his own ideas. पहले क्या होता था? पहले fashion सिर्फ royalty तक limited था. तो जो भी princess थी, queen थी, उनके पास अपने अपने designers होते थे. लेकिन कोई भी ऐसा डिजाइनर नहीं था, और जो royalty थी वो खुद ही उनको बताती थी कि अच्छा मेरे कपड़े ऐसे डिजाइन करो, ऐसे डिजाइन करो. कोई भी ऐसा डिजाइनर नहीं था जो अपनी क्रिएटिविटी से कुछ क्रिएट करे. बट चार्ल्स वर्थ वाज द फर्स्ट टू क्रिएट कुतूर गाउन्स बेस्ड ऑन हिज ओन आइडियाज एंड पुटिंग हिज नेम ऑन देम. लिटरली उन्होंने उस पर अपना नाम दिया, जैसे कि आजकल लेबल्स में होता है. लॉन्चिंग हिज फर्स्ट फैशन लेबल, वर्थ ऑल्सो शोकेस दीज गाउन्स ऑन लाइव मॉडल्स. पहले ऐसा नहीं होता था. उन्होंने ये पहली बार शुरू करा, जैसे आज के फैशन शोज में होता है, या आज के आप स्टोर्स में देखते हैं जो भी डिजाइनर होता है उनकी उनका नेम होता है उनके डिजाइन पे. और इन्होंने क्या किया, इन्होंने लाइव मॉडल्स पे उसको दिखाना शुरू किया कि अगर आप इसको पहनेंगे तो आप कैसे लग सकते हैं. तो लोगों की इमेजिनेशन और ज्यादा बड़ी. दिस अप्रोच लेट डिजाइनर्स टू क्रिएट फैशनेबल क्लोथ्स इन एडवांस. इसकी वजह से क्या हुआ कि डिजाइनर्स को वेट नहीं करना पड़ता था कि अरे कोई हमें बताएगा हमें कैसे डिजाइन करना है तभी हम डिजाइन करेंगे. नहीं, डिजाइनर्स अपनी क्रिएटिविटी लगा के और पहले से ही इन एडवांस क्लोथिंग को डिजाइन करके रखते थे एंड देन उसको सेल आउट करते थे. पेरिस बिकेम द फैशन हब विद फैशन शोज शोकेसिंग द लेटेस्ट ट्रेंड्स. Fashion magazines worldwide look to Paris for inspiration. Legendary designers like Chanel, Dior, Saint Laurent design for women to maintain their customer base, to maintain their profit. क्योंकि couture से तो उनको इतना ज़्यादा profit नहीं होता था. Designer expanded या supplemented into ready-to-wear lines. उन्होंने अपने pret-a-porter labels भी open किए, जिसमें वो क्या बेचते थे, परफ्यूम्स, एक्सेसरीज एंड मच अफोर्डेबल क्लोथिंग. ओके, द नेक्स्ट इज टोक्यो. टोक्यो इज नॉट अ फैशन कैपिटल टिल नाउ, बट इट इज इमर्जिंग एज अ मेजर फैशन सेंटर इन द वर्ल्ड. एज यू हैव रेड अर्लियर कि बिग फोर फैशन कैपिटल्स हमारे वही हैं, पेरिस, मिलान, न्यूयॉर्क एंड लंदन. So Tokyo is emerging. So Japan's fashion industry has evolved by merging traditional Japanese artistry with modern design technique. तो वहाँ के designers कोशिश कर रहे हैं कि अपनी traditional design के साथ modern design techniques को भी infuse करें, include करें. It is now one of the fastest growing sectors in the country. तो Japan में textile industry काफी grow कर रही है. Japan focus on both its textile and apparel industries to attract global customers. Japanese designers showcase their creations at international trade shows. So, ऐसा नहीं है कि जापान अपने अपने में ही कर रहा है.
जापान अपने इंटरनेशनल शोज भी कर रहा है, फैशन शोज भी करता है, एंड हैव ऑफिसेज इन यूरोप एंड न्यूयॉर्क टू एक्सपैंड देयर रीच टू द इंटरनेशनल मार्केट्स आल्सो। द बायएनुअल कुतूर, बायएनुअल का मतलब साल में जो दो बार होता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा साल में दो शोज होते हैं, एक स्प्रिंग समर सीजन के लिए और एक ऑटम विंटर सीजन के लिए। तो ये जो बायएनुअल शोज होते हैं, दीज शोज आर हेल्ड इन पेरिस, लंदन, मिलान एंड न्यूयॉर्क, एंड दीज फोर फैशन कैपिटल आर द सोर्सेज फॉर फैशन ट्रेंड्स। मेनली फैशन ट्रेंड्स इधर से ही निकल के आते हैं। एट द टाइम ऑफ द शोज पार्टनर्स इन द फैशन वैल्यू चेन, दैट इज फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स, जितने भी रिटेलर्स, बायर्स, एडिटर्स और जितने भी फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग होते हैं वो शोज को अटेंड करते हैं, अपना प्रीव्यू देते हैं एडिटर्स उस चीज को मैगजीन्स में या हमारे ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है। और रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, उन पर्टिकुलर ट्रेंड्स को अपने डिजाइन में इंक्लूड करते हैं। After the shows, the fashion editors select the styles and feature the stories with glossy pictures in fashion magazines, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा consumers तक पहुंच पाए और consumers aware हो पाए। The retailers and manufacturers rely on professional trend analysis by trend analysts and agencies, ये हमने chapter 1 class 11th में भी पढ़ा था। Based on their experience of trade analysis, the forecasters are able to correlate the changing lifestyle of consumers, so consumers ko aur market ko bhi study karte hain. The preferences and aesthetics of American consumer, for example, agar hum ek example se samjhe ki American consumer ki jo preference hai wo Italian ya British consumer se alag ho sakti hai, to trends bhi wahan pe usi hisab se grow karte hain. The trend forecast book predict the color palette, to jo trend forecast book hoti hai usme कौन कौन से ट्रेंड्स होते हैं, कलर ट्रेंड्स होते हैं, फैब्रिक ट्रेंड्स होते हैं, सरफेस एम्बेलिशमेंट मींस एम्ब्रॉयडरी ट्रेंड में रहेगी या प्रिंट्स ट्रेंड में रहेंगे, सिलुएट्स यानी ए लाइन सिलुएट ट्रेंड में होगा या एच लाइन सिलुएट ट्रेंड में होगा, एंड डिजाइन डिटेल्स मींस कॉलर्स ट्रेंड में होंगे या सटल नेकलाइंस ट्रेंड में होंगी। तो ये सारी चीजें ट्रेंड फोकस बुक में देखने के लिए मिल जाती है। इमर्जेंस ऑफ इंडिया एज अ फैशन सेंटर, तो इंडिया भी ऐसा नहीं है कि पीछे है, इंडिया भी एज अ फैशन सेंटर इमर्ज कर रहा है। विद राइजिंग हाउस होल्ड इनकम्स, क्योंकि अब वुमेन भी काम करने लगी है, इंडियंस आर स्पेंडिंग मोर ऑन क्लोदिंग, ड्राइविंग डिमांड फॉर फॉर्मल कैजुअल एज वेल एज एथनिक वेयर। एक्सपोजर टू ग्लोबल फैशन ट्रेंड्स थ्रू द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया हैज फ्यूल्ड अ डिजायर फॉर इंडिविजुअल स्टाइल। India's rich heritage in textile and craftsmanship has birthed famous fashion labels like Sabyasachi Mukherjee, Manish Arora gaining popularity worldwide. Fashion weeks organized by FDCI and Lakme offer a platform for designers shaping the industry, jaisa ki humne Paris mein dekha tha, isi tarah se India mein bhi hota hai. While India's fashion market is developing, kyunki abhi develop kar rahi hai, abhi puri tarah se develop nahi hai country, अभी डेवलपिंग स्टेज पे है, इट इज ऑल्सो अट्रैक्टिंग इंटरनेशनल ब्रांड लीडिंग टू चेंजेस इन द इंडस्ट्रीज स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस। ओके, तो अब हम कैटेगरीज पढ़ेंगे फैशन की, तीन मेन कैटेगरीज, मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, किड्स वेयर। मेंस वेयर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, एंड वुमेन्स वेयर एंड किड्स वेयर आर फॉलोड बाय इट, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, in the past men's wardrobe choices were limited to only suits, shirts and sober ties. However, after World War II, there was a shift towards more leisure activities leading to need for sportswear and casual wear. To pehle kya hota tha, pehle sirf men's ke wardrobe mein sirf hame suits hi dekhne ke liye milte the, shirts dekhne ke liye milti thi, lekin World War II ke baad kya hua, लोग अपना स्पेयर टाइम स्पोर्ट्स में खर्च करने लगे, तो स्पोर्ट्स वेयर और कैजुअल वेयर की डिमांड भी आने लगी। द 1960s saw a demand for greater variety and individual expression influenced by music groups like the Beatles. Throughout 1970s and 80s, corporate culture emphasized professional appearance with formal suits becoming standard attire. द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्राइडे ड्रेसिंग, अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, फ्राइडे ड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है,
कि आप ऑफिस में जो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं तो आप मंडे टू थर्सडे आप अपना टाइट फॉर्मल्स में आए, जो कि आपका ड्रेस कोड होता है उसमें आए, लेकिन आप फ्राइडे को रिलैक्स्ड कैजुअल वेयर्स में भी आ सकते हैं। सो इससे क्या होता है, इससे एक अलग चेंज मिल जाता है, एक डे मिल जाता है जिसमें कि आप अपना इंडिविजुअल एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मिलिट्री यूनिफॉर्म्स एंड वर्कवेयर हैव आल्सो इंस्पायर्ड फैशन लाइक डेनिम जीन्स और कार्गो पैंट्स। जीन्स हैव इवॉल्व्ड इनटू वर्सेटाइल स्टेपल आइटम, मींस जीन्स तो एक ऐसा आइटम है जो बच्चे से लेके बड़े तक सब लोग यूज करते हैं और हर किसी की वार्डरोब में होता है। टुडे मेंस फैशन ऑफर मोर ऑप्शन फॉर इंडिविजुअल एक्सप्रेशन catering to various lifestyles and personalities influenced by sports, music and fashion icons. So, men's wear clothing mein kya kya categories hoti hain? Casual wear zyadatar leisure activities or informal occasions ya ghar pe aaram se pehna jata hai. So, casual wear mein kya hota hai? T-shirt, jeans, cargo pants, shorts, etc. Sports wear zaruri nahi hai ki sirf sports khelte time hi pehna jaye. Aap sports wear ko कैजुअली भी पहन सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बास्केटबॉल टी शर्ट्स, टेनिस स्कर्ट्स, जॉगिंग पैंट्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ स्पोर्ट्स वेयर गारमेंट। एक्टिव स्पोर्ट्स वेयर सिर्फ स्पोर्ट्स खेलते टाइम ही पहना जाता है। इट इज स्पेसिफिकली वॉर्न वाइल पार्टिसिपेटिंग इन अ स्पोर्ट्स एक्टिविटी लाइक स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स, हाइकिंग पैंट्स, स्की जैकेट्स एक्सेट्रा। ओके, सो नेक्स्ट कैटेगरी इज आउटरवेयर। आउटरवेयर आर वॉर्न ओवर अदर गार्मेंट्स, जैसे शर्ट्स के ऊपर जैकेट्स, कोट्स, ओवरकोट्स, रेन कोट्स, रोब्स एक्सेट्रा। फॉर्मल वेयर दो टाइप के हो सकते हैं, वेस्टर्न फॉर्मल वेयर और इंडियन फॉर्मल वेयर। वेस्टर्न फॉर्मल वेयर जो फॉर्मल ओकेजन्स पे और ऑफिस सिचुएशंस में पहनी जाती है। सो वेस्टर्न फॉर्मल्स में इंक्लूड ड्रेस शर्ट्स, ट्राउजर्स, जैकेट, सूट्स, वेस्ट कोट्स एक्सेट्रा। एंड इंडियन फॉर्मल वेयर में इंक्लूड जोधपुर पैंट्स, नेहरू जैकेट्स, शेरवानीज एक्सेट्रा। ओके, सो यू कैन सी दिस कैजुअल वेयर लुक, द स्पोर्ट्स वेयर लुक एंड द एक्टिव स्पोर्ट्स वेयर लुक। द नेक्स्ट इज आउटरवेयर, इंडियन फॉर्मल्स एंड वेस्टर्न फॉर्मल्स। सो हियर यू गेट एन आइडिया कि किस तरह का लुक क्रिएट कर सकती हैं ये अलग अलग कैटेगरीज। ओके, तो अब हम मेंस वार्डरोब के कुछ ऐसे स्टेपल आइटम्स को डिस्कस करेंगे जैसे कि क्लासिक शर्ट एंड इट्स टाइप। इन सिंपल टर्म्स शर्ट आर क्रूशियल इन मेंस क्लोथिंग कवरिंग द अपर बॉडी। तो शर्ट एक ऐसा आइटम होता है क्लोथिंग का जो अपर बॉडी को बेसिकली कवर करता है। दे आर डिजाइन टू हाईलाइट फीचर्स लाइक द नेक, शोल्डर्स, चेस्ट एंड आर्म्स। शर्ट कम्स इन वेरियस स्टाइल्स रेंजिंग फ्रॉम फिटेड टू लूज कट, जिनको कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप की शर्ट्स मार्केट में आती हैं। द कॉलर ऑफ अ शर्ट इज अ की फीचर जिससे कि शर्ट डिफाइन होती है। मींस आप एक शर्ट को शर्ट कह सकते हैं अगर उसमें कॉलर है। वेरियस कॉलर डिजाइन लाइक बैंड कॉलर, शर्ट कॉलर, विंग कॉलर एंड बटन डाउन कॉलर विद वेरिएबल विड्थ्स आर मेड। हमने चैप्टर 2 के रिविजन में भी देखा था कि किस किस तरह के कॉलर्स होते हैं। शोल्डर डिटेल्स लाइक एपुलेट्स and shoulder yokes can give the appearance of broader shoulders. Shirt sleeves come in both short and long lengths with different cuff designs. Sleeveless shirts are also an option, lekin zyadatar preference usko nahi di jati hai itni jitni ki half sleeves and full sleeve shirt ko di jati hai. The shirt hem yani ki shirt ka jo lower edge hoti hai, इट कैन बी स्ट्रेट और कर्व्ड ऑन द फ्रंट। प्लैकेट, प्लैकेट क्या होती है, जिसपे बटन्स लगे हुए होते हैं उस स्ट्रिप को प्लैकेट बोला जाता है। इट मे बी विजिबल और कंसील्ड विद सिंगल और डबल स्टिचिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्ट्रिप जिसपे बटन्स लगे हुए हैं, इस स्ट्रिप को हम लोग प्लैकेट बोलते हैं, जिसपे कि आप बटन डाउन करते हैं, अपनी शर्ट को बंद करते हैं, उसको प्लैकेट बोला जाता है। तो सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ शर्ट टाइप आर अ ड्रेस शर्ट, ये एक नॉर्मल शर्ट होती है, किसी भी कलर में, प्रिंट में हो सकती है एंड इज डिजाइन स्पेसिफिकली टू बी वॉर्न विद टाइज एंड सूट्स। द ऑक्सफोर्ड बटन डाउन शर्ट इज सुटेबल फॉर अ क्रिस्प फॉर्मल लुक, ये ज्यादातर फॉर्मल वेयर में पहनी जाती है।
द ऑक्सफोर्ड इज यूजुअली मेड इन सॉलिड कलर्स, ज्यादातर सॉलिड कलर्स में होती है, पेस्टल कलर्स ही होते हैं या मिडटोन कलर्स होते हैं, इन पिन स्ट्राइप्स मतलब थोड़े स्ट्राइप्स में भी हो सकती है शर्ट, या स्मॉल चेक्स में भी बनाई जाती है। तो आप ये जो सेंटर इमेज देख रहे हैं ये एक ऑक्सफोर्ड शर्ट का इमेज है, जो आप लेफ्ट में देख रहे हैं वो एक ड्रेस शर्ट है। तो ऑक्सफोर्ड शर्ट और ड्रेस शर्ट में ये डिफरेंस होता है क्योंकि दोनों ही फॉर्मल लुक के लिए एकदम सूटेबल हैं, लेकिन एक फर्क ये होता है कि इसकी कॉलर में भी बटन्स लगे होते हैं। जो ऑक्सफोर्ड शर्ट होती है उसकी कॉलर में भी बटन्स लगे होते हैं, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था, ऑक्सफोर्ड बटन शर्ट को डिफाइन कीजिए, तो आप ये डेफिनेशन लिख के आ सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है तो प्लीज मार्क इट। द हवाइन शर्ट इज लूज एंड एरी, ये फॉर्मल ओकेजन्स के लिए नहीं होती है, बेसिकली ये वेकेशंस के लिए या आप ट्रिप पे जा रहे हैं कहीं पे, कैजुअल वेयर के लिए भी होती है ये। सो इट इज मेड ऑफ लार्ज प्रिंट्स लाइक फ्लोरल प्रिंट्स एंड नेचुरल बुटीक प्रिंट्स, ओके बोटानिकल प्रिंट्स सॉरी, चीयरफुल कलर्ड कॉटन फैब्रिक्स में इसको बनाया जाता है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे राइट पिक्चर में देख सकते हैं। द लास्ट इज अ टी शर्ट इज अ कैजुअल शर्ट, एक टी शर्ट भी शर्ट का ही एक पार्ट होती है, कैटेगरी होती है। अ टी शर्ट कैन बी विद और विदाउट कॉलर, आपने पोलो टी शर्ट देखी होंगी उसमें कॉलर होता है, वैसे नॉर्मली टी शर्ट में वी नेक या राउंड नेक होती है। एंड इट इज मेड ऑफ निट फैब्रिक, ये कॉटन वगैरह से नहीं बनाई जाती है, निटेड फैब्रिक से बनाई जाती है, मीन्स ये वोवन नहीं होती है, निटेड होती है, ओके सो आप ये यहाँ पे शर्ट के पार्ट्स को देख सकते हैं, ठीक है। जो ये स्ट्रिप है जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसको प्लैकेट बोला जाता है, बटन्स, जो लोअर एज होती है शर्ट की उसको हेम बोलते हैं, जो ये स्लीव का एंड पार्ट होता है इसको कफ बोलते हैं, देन स्लीव, ब्रेस्ट पॉकेट, कॉलर, दिस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द शर्ट, आर्म होल, ये जो आप लाइन देख रहे हैं जहाँ पे स्लीव्स अटैच की जाती है उसको आर्म होल बोलते हैं। सो दीज आर ऑल द, ये लेबलिंग करने के लिए आ सकता है, वैसे आया नहीं है कभी बट आ भी सकता है, सो प्लीज गिव इट अ लुक। सो दिस वॉज अबाउट शर्ट। द नेक्स्ट स्टेपल आइटम इज ट्राउजर और शॉर्ट। ट्राउजर आर बाइफर्केटेड गारमेंट, अब बाइफर्केटेड क्या होते हैं, बाइफर्केटेड वो चीजें होती है जिसके दो हिस्से होते हैं, सो बाइफर्केटेड मीन्स जो दो हिस्सों में बटी हुई होती है। सो ट्राउजर क्या होती है, ट्राउजर दो हिस्सों में बटी हुई होती है जिसमें से कि आप दो लेग्स को पास करते हैं। सो इट इज फॉर द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी, अवेलेबल इन स्ट्रेट, ये भी बहुत सारे डिजाइन में अवेलेबल होती है, स्ट्रेट पैंट्स, बेल बॉटम पैंट्स, कफ्ड पैंट्स एक्सेट्रा। पैंट्स कैन बी फ्लैट और प्लीटेड, या तो पैंट्स एकदम फ्लैट हो सकती हैं जैसे कि आप यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं, एकदम फ्लैट स्ट्रेट पैंट फिट है, या इस तरह की भी हो सकती है जिसमें प्लीट्स बने हुए हों, ओके सो ये गुड फिट देती है। द वेस्ट में भी लो और हाई कट विद बटन एंड जिपर, सो लो वेस्ट पैंट्स भी हो सकती हैं, हाई वेस्ट पैंट्स भी हो सकती हैं। ड्रेस ट्राउजर्स आर यूजुअली मेड ऑफ वूल एंड ब्लेंड्स, व्हाइल चीनो फैब्रिक्स आर मोर पॉपुलर देन डेनिम फॉर कैजुअल्स विद वेरिएबल स्टाइल पॉकेट्स सच एज स्लिट, वेल्ट एंड क्रॉस, तो पॉकेट्स के भी काफी सारे स्टाइल्स होते हैं। बैगी ट्राउजर्स आर लूज अराउंड द हिप्स एंड नैरो एट द बॉटम, तो बैगी ट्राउजर कैसी होती हैं, वो हिप्स की साइड से काफी वाइड होती हैं और नीचे बॉटम तक जाते जाते वो नैरो हो जाती हैं। They usually have deep pleats at the waist for additional volume and ease. जैसे कि आप देख सकते हैं ये तो इतना बल्की नहीं है बट नीचे जाते कि काफी नैरो हो जाती है और ऊपर से काफी बल्की रहती है। कार्गो पैंट्स आर इंस्पायर्ड बाई मिलिट्री यूनिफॉर्म्स विद लार्ज यूटिलिटी पॉकेट्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कार्गो पैंट ये मिलिट्री यूनिफॉर्म से काफी इंस्पायर्ड होती है जिसमें की बहुत सारी पॉकेट्स होती है जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। They are characterized by camouflage-inspired prints. Last is jeans. Jeans are the most popular casual staple item of a men's wardrobe. It is worn not only by men, it is also worn by women. Okay, so let's move on to shorts. In simple terms, shorts are casual clothing that typically reach the mid थाई और नीज, तो कुछ टाइप के शॉर्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दे आर ओरिजिनेटेड इन यूरोप एज नी ब्रीचेस, ओरिजिनली डिजाइन फॉर मिलिट्री टू कीप सोल्जर्स कूल इन वार्म क्लाइमेट्स,
Over time, civilians also adopted it. So, tennis shorts that were originally worn during only tennis matches, these shorts are usually above the knee, जैसे कि आप first picture में देख सकते हैं. Running shorts ये ज़्यादा jogging करते time, exercise करते time पहने जाते थे. Made of flexible, lightweight materials allow the wearer to run effortlessly. ये थोड़ी stretchable fabric में बनाए जाते थे. बर्मूडा शॉर्ट्स ये थोड़े लॉन्ग होते थे लेंथ में, ठीक है, ये नी कैप्स तक पहुंचते थे. दे जनरली हैव मिनिमल डिटेल. कार्गो शॉर्ट्स आर आल्सो नोन एज सफारी शॉर्ट्स, खाकी शॉर्ट्स. दे हैव फोर पॉकेट्स, जनरली फोर पॉकेट्स, ऑफन टू फ्लैप पॉकेट्स, जिसमें की फ्लैप होता है ऊपर. दे आर प्रैक्टिकल फॉर कैंपिंग एंड अदर कैजुअल एक्टिविटीज. Okay, let's move on to when coordinated with a polo neck t-shirt, the suit takes on a sporty look. अगर आप इसी attire को shirt के बजाय polo neck t-shirt के साथ अगर इसको pair करें तो वो एक sporty look देता है. और अगर t-shirt के साथ आप इसको style करें तो वो more of casual look देता है. Coordinated with a stripe or check shirt, the suit looks casual. So, what are the colors used in menswear? Men usually prefer cool tone colors like blues, greens. थोड़े darker tone colors जो हैं वो men's prefer करते हैं. या फिर एकदम lighter जैसे कि whites, browns, off whites and grays, which are seen as masculine and objective. Patterns can also affect how colors are perceived. So even solid color can look like patterns when combined in certain ways like stripes or checks. So दो colors, दो solid colors को combine करके भी stripes or checks बनाए जा सकते हैं. Plaids and stripes are often associated with masculinity. While floral or dotted patterns are more seen in feminine clothing or women's wear clothing. So, ज्यादातर मेंस वेयर में फ्लोरल प्रिंट्स आजकल काफी ट्रेंड में है, मॉडर्न वे में ट्रेंड में है. लेकिन ज्यादातर प्रेफरेंस मेन की क्या होती है कि वो सॉलिड कलर्स पहने, प्लेट्स पहने, चेक्स पहने, स्ट्राइप्स पहने. ओके, सो व्हाट आर द फैब्रिक्स यूज्ड इन मेंस वेयर? फैब्रिक्स फॉर मेन क्लोथिंग आर टिपिकली स्टर्डी. स्टर्डी मीन्स थोड़े से थिक होते हैं, एकदम फ्लोई फैब्रिक नहीं होते हैं. जैसे कि शिफॉन वगैरह नहीं यूज किया जाता है मेन्स वेयर में, थोड़े थिक फैब्रिक्स यूज किए जाते हैं. एंड नॉट स्ट्रेची कंपेयर टू वुमेन्स क्लोथिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा मूवमेंट की जरूरत नहीं होती है. वुमेन्स क्लोथिंग में काफी स्ट्रेची फैब्रिक्स भी यूज किए जाते हैं. दे आर ऑफन मेड ऑफ मटीरियल लाइक प्योर कॉटन, कॉटन ब्लेंड्स. इसी तरह के फैब्रिक्स मेन्स वेयर में ज्यादातर यूज होते हैं, सिल्क, वूल, नॉर्मल जो फैब्रिक्स होते हैं. शर्ट फैब्रिक आर यूजली लाइट वेट वाइल ट्राउजर फैब्रिक्स आर हेवियर फॉर ड्यूरेबिलिटी. Technology has improved fabric quality, making them lighter and more flexible and even more reliable with added feature like wrinkle resistant and stain protection. So menswear market includes casual wear, active wear, formal wear, outer wear. Brands are targeting not only big cities but also smaller cities known as tier 2 or tier 3 cities due to growing consumer awareness and disposable income. Because आजकल तो women's भी काम करने लगी हैं, तो spending जो spending power है वो भी increase हो रही है धीरे-धीरे. So key players in the Indian menswear market include Madura Fashion and Apparel, Arvind Limited, etc. Raymond तो market को काफी capture करता है, काफी ज़्यादा market Raymond के पास है. So these are the key players in the Indian menswear market. So let's come to women's wear category. So let's discuss it. Okay, in the past, fashionable clothing was mostly custom made, और ज्यादातर ladies जो होती थी वो अपने घर पे ही कपड़े सिला करती थी, rather than कोई tailor या कोई dressmaker से नहीं बनवाती थी. ज्यादातर ladies अपने घर में ही सियू किया करती थी. With the introduction of domestic sewing machine, sewing became very easy. तो पहले hand sewing होती थी जो कि women अपने घर पे ही करती थी. लेकिन क्या हुआ, however, as women started working outside their homes in the early 20th century, the demand for ready-to-wear clothing grew because
वुमेन के पास टाइम ही नहीं बचा वो अपने घर पे कपड़े सिल सके, तो उसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि वुमेन वर्किंग हो गई तो उसकी वजह से रेडी टू वेयर फॉर्मल वेयर कंफर्टेबल क्लोथिंग की डिमांड बढ़ गई। दिस लेड टू सिंपलर क्लोथिंग स्टाइल्स एंड मास प्रोडक्शन ऑफ गारमेंट्स स्पेशली ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर्स। अफोर्डेबल एंड ईजी टू वेयर क्लोथिंग बिकेम वेरी पॉपुलर, तो ताकि वो काम की जगह पर काफी कंफर्टेबल फील कर सके। ट्रेंड फोरकास्टिंग हेल्प प्रेडिक्ट फ्यूचर फैशन ट्रेंड्स अलाउिंग डिजाइनर्स मैन्युफैक्चरर्स एंड ऑल द फैशन सप्लायर्स टू प्लान देयर कलेक्शन वेल इन एडवांस। कंपनीज एनालाइज दीज ट्रेंड्स टू क्रिएट कलेक्शंस दैट सूट देयर ब्रांड एंड टारगेट कस्टमर्स। इन इंडिया ब्रांड्स लाइक वैन ऑसन वुमेन एंड एलन सोली ऑफर्स ट्रेंडी वर्कवेयर कलेक्शन मेनली कैजुअल एंड फॉर्मल वेयर for various sizes including plus sizes also. Indian women's wear draws heavily from Indian culture, history, textiles and craftsmanship, jisme ki intricate designs hote hain, intricate embroideries hoti hai with some western influences. To fusion wear bhi kafi zyada trend mein hai. Drape styles have been traditional in many Indian regions with the sari being a prime example. Over last two centuries the sari typically ranges from 6 to 8 yards, तो साड़ी या तो 6 meters की होती है, 8 meters की होती है. It has been draped in current form and paired with a stitched blouse or choli. Stitched garments like salwar kameez, kalidar kutta, sharara, garara were introduced during the Mughal. That were introduced during the Mughal rule. When coordinated with a polo neck. पोलो नेक टी शर्ट द सूट टेक्स ऑन अ स्पोर्टी लुक। अगर आप इसी अटायर को शर्ट के बजाय पोलो नेक टी शर्ट के साथ अगर इसको पेयर करें तो वो एक स्पोर्टी लुक देता है, और अगर टी शर्ट के साथ आप इसको स्टाइल करें तो वो मोर ऑफ कैजुअल लुक देता है। कोऑर्डिनेटेड विद अ स्ट्राइप और चेक शर्ट द सूट लुक्स कैजुअल। So, what are the colors used in menswear? Men usually prefer cool tone colors like blues, greens. थोड़े darker tone colors जो हैं वो men's prefer करते हैं, या फिर एकदम lighter जैसे कि whites, browns, off whites and grays, which are seen as masculine and objective. Patterns can also affect how colors are perceived. So even solid color can look like patterns when combined in certain ways like stripes or checks. So do colors, do solid colors ko combine karke bhi stripes or checks banaye ja sakte hain. Plaids and stripes are often associated with masculinity, while floral or dotted patterns are more seen in feminine clothing or women's wear clothing. So, ज्यादातर मेन्स वेयर में फ्लोरल प्रिंट्स आजकल काफी ट्रेंड में है, मॉडर्न वे में ट्रेंड में है, लेकिन ज्यादातर प्रेफरेंस मेन की क्या होती है कि वो सॉलिड कलर्स पहने, प्लेट्स पहने, चेक्स पहने, स्ट्राइप्स पहने. ओके, सो व्हाट आर द फैब्रिक्स यूज्ड इन मेन्स वेयर? फैब्रिक्स फॉर मेन क्लोथिंग आर टिपिकली स्टर्डी, स्टर्डी मीन्स थोड़े से थिक होते हैं, एकदम फ्लोई फैब्रिक नहीं होते हैं, जैसे कि शिफॉन वगैरह नहीं यूज किया जाता है मेन्स वेयर में, थोड़े थिक फैब्रिक्स यूज किए जाते हैं एंड नॉट स्ट्रेची कंपेयर टू वुमेन्स क्लोथिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा मूवमेंट की जरूरत नहीं होती है वुमेन्स क्लोथिंग में, काफी स्ट्रेची फैब्रिक्स भी यूज किए जाते हैं। दे आर ऑफन मेड ऑफ मटीरियल लाइक प्योर कॉटन, कॉटन ब्लेंड्स, इसी तरह के फैब्रिक्स मेन्स वेयर में ज्यादातर यूज होते हैं, सिल्क, वूल, नॉर्मल जो फैब्रिक्स होते हैं। शर्ट फैब्रिक आर यूजुअली लाइट वेट वाइल ट्राउजर फैब्रिक्स आर हेवियर फॉर ड्यूरेबिलिटी। Technology has improved fabric quality, making them lighter and more flexible and even more reliable with added feature like wrinkle resistant and stain protection. So menswear market includes casual wear, active wear, formal wear, outer wear. Brands are targeting not only big cities but also smaller cities known as tier 2 or tier 3 cities due to growing consumer awareness एंड डिस्पोजेबल इनकम, बिकॉज आजकल तो वुमेन्स भी काम करने लगी है तो स्पेंडिंग जो स्पेंडिंग पावर है वो भी इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे। सो की प्लेयर्स इन द इंडियन मेन्स वेयर मार्केट इंक्लूड मधुरा फैशन एंड अपैरल, अरविंद लिमिटेड एक्सेट्रा, रेमंड तो मार्केट को काफी कैप्चर करता है, काफी ज्यादा मार्केट रेमंड के पास है।
So these are the key players in the Indian menswear market. So let's come to women's wear category. So let's discuss it. Okay, in the past, fashionable clothing was mostly custom made और ज्यादातर ladies जो होती थी वो अपने घर पे ही कपड़े सिला करती थी rather than कोई tailor या कोई dressmaker से नहीं बनवाती थी. ज्यादातर ladies अपने घर में सू किया करती थी. With the introduction of domestic sewing machine, sewing became very easy. तो पहले hand sewing होती थी जो कि women अपने घर पे ही करती थी. लेकिन क्या हुआ, however, as women started working outside their homes in the early 20th century, the demand for ready-to-wear clothing grew because women के पास time ही नहीं बचा वो अपने घर पे कपड़े सिल सके. तो उसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि women working हो गई तो उसकी वजह से ready-to-wear, formal wear, comfortable clothing की demand बढ़ गई. This led to simpler clothing styles and mass production of garments, especially during the World Wars. Affordable and easy to wear clothing became very popular, ताकि वो काम की जगह पर काफी comfortable feel कर सके. Trend forecasting helped predict future fashion trends, allowing designers, manufacturers and all the fashion suppliers to plan their collection well in advance. Companies analyze these trends to create collections that suit their brand and target customers. In India, brands like Van Heusen Women and Allen Solly offers trendy workwear collection, mainly casual and formal wear for various sizes, including plus sizes also. Indian women's wear draws heavily from Indian culture, हिस्ट्री, टेक्सटाइल्स एंड क्राफ्टमैनशिप, जिसमें कि इंट्रिकेट डिजाइंस होते हैं, इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरीज होती है विद सम वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस. तो फ्यूजन वेयर भी काफी ज्यादा ट्रेंड में है. ड्रेप स्टाइल्स हैव बीन ट्रेडिशनल इन मेनी इंडियन रीजन्स विद द साड़ी बीइंग अ प्राइम एग्जांपल. ओवर लास्ट टू सेंचुरीज द साड़ी टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 6 to 8 yards. तो साड़ी या तो 6 meters की होती है, 8 meters की होती है. इट हैज बीन ड्रेप्ड इन करंट फॉर्म and paired with a stitched blouse or choli. Stitched garments like salwar kameez, kalidar kurta, sharara, garara were introduced during the Mughal, that were introduced during the Mughal rule. Muslim craftsmen known as karigars were brought to India to create royal garments and settled here, influencing Indian fashion. So during Mughal rule, kya hua, kafi sare मुस्लिम क्राफ्ट्समैन को इंडिया में लाया गया, उनको कारीगर भी बोला जाता है. तो वो कारीगर यहीं सेटल हो गए, जिसने कि इंडियन फैशन पे काफी बड़ा इम्पैक्ट डाला. एम्ब्रॉयडरी टेक्निक्स लाइक चिकनकारी आरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मुस्लिम कारीगर्स एनरिच्ड इंडियन गारमेंट्स इंक्लूडिंग साड़ीज. इंडियन टेलर्स एडॉप्टेड डिजाइन डिटेल्स फ्रॉम ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ. तो ब्रिटिश ऑफिसर्स की जो वाइफ्स होती थी उनकी क्लोथिंग में जो डिजाइन डिटेल्स होती थी, जैसे कि रफल्स, कॉलर्स, पफ स्लीव्स, तो वो इंडियन टेलर्स ने अपनी ब्लाउजेस में, साड़ी की ब्लाउजेस में उसको एडॉप्ट किया और हमारी ब्लाउजेस को इस तरह से डिजाइन किया कि उसमें वेस्टर्न और इंडियन फ्यूजन हो जाए. जैसे कि ब्लाउज के साथ कॉलर्स ट्रेंड में होने लगे, पफ स्लीव्स ट्रेंड में होने लगी. हैंडमेड लेस वॉज अटैच टू साड़ी पेटीकोट, सिमिलर टू ब्रिटिश एम्ब्रॉयडर्ड स्कर्ट्स. Compared to men's wear, British influence on women's clothing was relatively limited. So, women's clothing में ज़्यादा influence नहीं देखने के लिए मिला. Okay, men's wear में ज़्यादा influence देखने के लिए मिला. British influence men's wear में हमें को ज़्यादा देखने के लिए मिला, क्योंकि suits वगैरह, उनके styles, उनकी boots, उनकी hats काफी change हो गए. Modern Indian women's wear blends indigenous, Mughal and Western styles seamlessly. तो आज की modern design में आप देख सकते हैं अपनी Indian cultural designs भी हैं, Mughal designs भी fuse होते हैं और Western styles भी fuse होते हैं. So what are the elements of design in a women's wear? There are 3 key elements. That is color. So first we will discuss color. Every season palette has 4 group: pastel, neutral, bright and deep colors. ज़्यादातर इसमें से questions नहीं आते हैं, but ये हमको पता होने चाहिए कि क्या होते हैं. The overall mood of the theme determine color, tone. तो women's wear के लिए basically
पूरी एक मूड बोर्ड क्रिएट किया जाता है, एक स्टोरी बोर्ड क्रिएट किया जाता है जिसपे बेस्ड कलेक्शन को डिजाइन किया जाता है. एम्फेसिस ऑन मेटेलिक एंड शाइन इम्पैक्ट्स वेरी डिफरेंटली देन नेचुरल और रस्टिक कलर्स एंड टेक्सचर्स. तो आपने किस तरह के कलर्स चूज किए हैं, प्रिंट्स चूज किए हैं, वो आपका कलेक्शन का ओवरऑल मूड डिपिक्ट करता है. प्रिंट, वोवन डिजाइन, एम्बेलिशमेंट एंड ट्रिम डिटेल्स आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द ओवरऑल डिजाइन. तो आप किस तरह के बटन्स यूज करने वाले हैं, किस तरह की बीड्स यूज करने वाले हैं, किस तरह की प्रिंट्स यूज करने वाले हैं, या किस तरह की वोवन डिजाइन को यूज करने वाले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट डिटेल होती है विमेंस वेयर कैटेगरी में. प्रिंट्स लाइक डेलिकेट फ्लावर्स, लार्ज फ्लोरल बोल्ड कलर्स, ज्योमेट्रिक डिजाइन, मिनी ज्योमेट्रिक, बहुत सारी चीजें हैं जो विमेन्स वेयर में यूज की जाती हैं. एम्बेलिशमेंट इंक्लूड एप्लीक्स, एम्ब्रॉयडरीज एंड ट्रिम आर टाइप्स ऑफ क्लोजर्स, जिसको कि बटन, जिप्स के नाम से जाना जाता है. द लास्ट इज फैब्रिक. फैब्रिक इज द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट ऑफ अ गारमेंट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 50-80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गारमेंट, क्योंकि फैब्रिक पे ही पूरा गारमेंट डिपेंड करता है कि फैब्रिक का फ्लो कैसा होगा. सो टेक्सचर, हैंडल एंड सरफेस क्वालिटी ऑफ अ फैब्रिक आर इम्पॉर्टेंट, कि आपके फैब्रिक का फील किस तरह का है, आपके फैब्रिक फ्लोई है या थोड़ा थिक है, या आपकी फैब्रिक की सरफेस क्वालिटी कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वाइल चूजिंग द फैब्रिक. फैब्रिक कैन बी मेड फ्रॉम नेचुरल और मैन मेड फाइबर्स, जो कि हमने क्लास 11th के चैप्टर 2 में भी अच्छे से डिस्कस किया था. अगर आपने आपको वो रिवाइज करना है तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो प्ले करके देख सकते हैं. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैव लेड टू फैब्रिक्स दैट आर सॉफ्ट, फ्लूइड, रिंकल रेजिस्टेंट, इजी टू केयर. ब्लेंडेड फैब्रिक गिव द डिजायर्ड क्वालिटीज विद अ नेचुरल फील. ब्लेंडेड फैब्रिक्स में क्या फायदा होता है कि एक नेचुरल फील भी हो जाती है, कम्फर्ट भी हो जाता है, वाइल हमें सिंथेटिक प्रॉपर्टीज भी मिल जाती है. ईच सीजन fabric manufacturers present their new collection of the fabric. Sorry, the last one is silhouette. Silhouette is the overall shape of the garment, ki aapke garment ki overall shape kaisi hai. Jaisa ki aap isme dekh sakte hain, garment ki jo outline hoti hai wo determine karti hai ki garment ka silhouette kya hai. So for example, this is A line, this is mermaid column. So products may be designed for the target customer category in different sizes such as women, missy, petite and junior. Okay, one of the staple item in a women's wardrobe is dress. So variation in dresses may be achieved through waistline. Aap dresses mein agar waistline ko agar waistline mein variation layenge to dresses mein bhi variation aayega. Jaise ki agar aapki waistline bust ke niche aa rahi hai to usko empire line bolte hain. देन नॉर्मल वेस्ट लाइन ड्रेसेस भी होती हैं, लो वेस्ट लाइन ड्रेसेस भी होती हैं. ये अपनी अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग पहनी जाती हैं. सिलुएट कैन बी फिट एंड फ्लेयर. प्रिंसेस लाइन सिलुएट, जो आप ये सेंटर पिक्चर देख रहे हैं इसमें जो वाइट लाइन आ रही है ये प्रिंसेस लाइन है, तो इस तरह का सिलुएट भी हो सकता है. ठीक है, जो फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें बस्ट के जस्ट नीचे वेस्ट लाइन फॉलो हो रही है, तो इसको एम्पायर लाइन भी बोलते हैं. सो लेंथ भी हो सकती है, जैसे अबव नी या फ्लोर लेंथ या काफ लेंथ ड्रेसेस भी हो सकती हैं, विद नेकलाइन, विद स्लीव्स, विदाउट स्लीव्स भी हो सकती हैं. सो दीज आर ऑल द ड्रेस वेरिएशंस. विमेंस वेयर में काफी वेरिएशंस हो सकते हैं. पॉकेट्स भी हो सकती है किसी ड्रेस में, किसी ड्रेस में नहीं भी हो सकती है. ओके, देन नेक्स्ट आर ब्लाउजेस. अब ब्लाउजेस का इधर मतलब है टॉप्स, इसका वो मतलब नहीं है. साड़ी के साथ जो ब्लाउज पहनी जाती है वो अलग होती है, यहाँ पे ब्लाउज का मतलब है टॉप. सो ब्लाउजेस कवर द अपर हाफ ऑफ द वुमेन्स बॉडी एंड डिफरेंट स्टाइल्स इन ब्लाउज कैन बी अचीव थ्रू वेरिएशंस इन बॉडीज. आप बॉडीज में क्रॉप टॉप बना सकते हैं, फुल बॉडीज बना सकते हैं, आप हेम को हाई लो रख सकते हैं, कॉलर लगा सकते हैं, स्लीव्स को पफ कर सकते हैं या इस तरह की डिजाइन डिटेल्स डाल सकते हैं, ब्लैकेट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती है. स्कर्ट, स्कर्ट की ज्यादातर लेंथ और स्कर्ट का टाइप मैटर करता है. सो इट कवर्स द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी. स्ट्रेट स्कर्ट हो सकती है जैसे कि आप फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं, प्लीटेड स्कर्ट हो सकती है सेकेंड पिक्चर में, टीयर्ड स्कर्ट हो सकती है जैसा कि आप थर्ड पिक्चर में देख सकते हैं,
एंड पैनल स्कर्ट भी हो सकती है जिसमें डिफरेंट फैब्रिक्स को ज्वाइन करके एक स्कर्ट को बनाया जाता है. तो आप इस तरह से पैटर्न वेरिएशन कर सकते हैं. द नेक्स्ट है ट्राउजर. ट्राउजर भी लोअर हाफ ऑफ द बॉडी के लिए होती है बट ये बाइफर्केटेड गारमेंट होता है जिसको जो कि दो हिस्सों में बटा होता है. ठीक है, लेकिन ज्वाइन भी होता है. ऐसा नहीं है कि आप एक लेग का हिस्सा अलग है दूसरी लेग का हिस्सा अलग है, ऐसा नहीं है. सम स्टाइल ऑफ ट्राउजर्स आर स्ट्रेट लेग, जैसे कि आप फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं दिस इज फ्लेयर्ड. केपरी स्टाइल भी हो सकती है, स्ट्रेट फिट भी हो सकती है. ओके, जोधपुर स्टाइल आप यहाँ पे सेकंड पिक्चर में देख सकते हैं. इस स्टाइल की पैंट्स भी पहनी जाती हैं फॉर द इंडो वेस्टर्न स्टाइल एक्सेट्रा. फॉर इंडियन वेयर स्टेपल आइटम इज कुर्ता सलवार. सो कुर्ता कवर्स द अपर हाफ ऑफ द बॉडी एंड सलवार कवर्स द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी एंड सलवार इज ऑल्सो अ बाइफर्केटेड गार्मेंट. सम ऑफ द वेरिएशन इन कुर्ता स्टाइलिंग आर अनारकली स्ट्रेट कुर्ता, ए लाइन कुर्ता, बेसिक सलवार जो कि आप सिलवाते हैं, चूड़ीदार लेगिंग्स भी हो सकती हैं, पटियाला सलवार. सलवार की भी काफी सारी वेरिएशंस हो सकती हैं. द नेक्स्ट इज साड़ी ब्लाउज. अब इधर ब्लाउज का मतलब वही है जो साड़ी के साथ पहनी जाती है. साड़ी ब्लाउजेज आर स्टिच टॉप्स वॉर्न विद साड़ीज. दे कैन बी ऑफ सेवरल पैटर्न वेरिएशन जिसमें कि मुगल इन्फ्लुएंस, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस भी हो सकता है. दो मेजर टाइप होते हैं प्लेन और चोली कट. सो आप देख सकते हैं एक प्लेन ब्लाउज और एक चोली कट ब्लाउज कैसी हो सकती है. ये एक चोली कट ब्लाउज है और ये एक प्लेन ब्लाउज है जिसमें कि आगे बटन्स हैं एंड ये एक चोली कट ब्लाउज है. ठीक है, ज्यादातर ये लहंगा वगैरह में ही यूज होती है एंड ये साड़ी के साथ पहनी जाती है. ओके, द लास्ट कैटेगरी इज चिल्ड्रंस वेयर. ओके, सो एट फर्स्ट किड्स क्लोथ्स यूज टू बी लाइक मिनी वर्जन ऑफ एडल्ट क्लोथ्स. एंड किड्स क्लोथ्स में एक बात और होती है ध्यान रखने वाली कि किड्स का जो टारगेट मार्केट होता है कैप्चर करने के लिए वो किड्स खुद नहीं होते, उनकी मॉम्स होती हैं. सो अगर आप किड्स वेयर में काम कर रहे हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी होती है कि आपका जो टारगेट मार्केट है वो किड्स नहीं है, वो मॉम्स हैं. बिकॉज मॉम्स ही, मदर्स ही जो है वो अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदती हैं, तो आपको उनके हिसाब से सोच के डिजाइन करना होता है. सो बट नाउ द ग्लोबल मार्केट फॉर किड्स वेयर इज ह्यूज. ब्रांड्स ऑफर टन ऑफ स्टाइल फॉर ऑल एजेस, जिसमें कि हम अभी एज ग्रुप्स पढ़ेंगे आगे कि डिफरेंट एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग किस तरह से कपड़े डिजाइन किए जाते हैं फॉर किड्स. किड्स टूडे आर इन्फ्लुएंस्ड बाई कार्टून, मूवीज एंड सोशल मीडिया. दिस मीन्स लॉट ऑफ न्यू ब्रांड्स एंड cool clothes. Parents are also spending more on branded clothes for their kids. Designing kids' clothes is tricky because they keep growing. Designers need to think about how kids' bodies change and what they need at each stage and at each age group. So the first age group we will discuss here is newborn. So newborn are babies from birth to a few months old babies. Their clothes are made for safety and comfort. So there are no buttons or rough parts at the back that could bother them as a newborn sleeps or lies on the back. ज़्यादातर जो newborn babies होते हैं वो ज़्यादातर time sleeping में ही जाता है उनका. तो वो जब लेटते हैं तो उनके कपड़े इस तरह बनाए जाते हैं कि उनके back को hurt ना करे. इस तरह से कंफर्ट कम्फी फैब्रिक्स का यूज किया जाता है एंड बटन्स तो पीछे लगाए ही नहीं जाते हैं क्योंकि अगर बटन्स पीछे लगा देंगे तो वो उनको चुभने का डर रहता है, उनको लगने का डर रहता है. तो उनके जो बटन्स होते हैं हमेशा फ्रंट में होते हैं. ओके, एज यू कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर हियर, इंस्टेंट स्नैप बटन्स जो कि मैग्नेटिक बटन्स होते हैं जिनको रिमूव करना बहुत ईजी होता है और वेलक्रो यूज की जाती है. सॉफ्ट फैब्रिक्स लाइक फ्लैनल एंड कॉटन आर वेरी पॉपुलर एंड कलर्स आर चूजन पिंक फॉर गर्ल्स एंड ब्लू फॉर बॉयज. सो न्यूबॉर्न क्लोथिंग में यही बात ध्यान रखने वाली है कि ओके. सो द नेक्स्ट एज ग्रुप इज इन्फेंट क्लोथिंग. इन्फेंट कौन से बच्चे होते हैं? 3 months से 1 year तक के एज ग्रुप के बच्चों को इन्फेंट्स बोला जाता है. वाइल सेलेक्टिंग अ गार्मेंट फॉर इन्फेंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन आर देयर वेट, एज एंड साइज ऑफ द हेड, क्योंकि वो डिफर कर सकता है, बच्चे बच्चे पर डिपेंड करता है.
द हेड साइज ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड इज 1/5 ऑफ इट्स हाइट, क्योंकि हेड साइज काफी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू इट्स बॉडी. सो फैब्रिक like flannel, cotton, jersey knits, polar fleece are selected for infants, which are very soft in feel and provide comfort to the child. Pastel colors are used, polka dots, cartoon characters are also preferred. Trims such as velcro, snap buttons hi zyadatar use kiye jate hain. Decorative details like ribbons are also used as they are easy to handle. नेक्स्ट इज टॉडलर क्लोदिंग. टॉडलर कौन से एज ग्रुप के बच्चे होते हैं? 1 ईयर से लेके 4 ईयर के बच्चे जो होते हैं उनको टॉडलर कहा जाता है. एट दिस एज द चाइल्ड डेवलप्स देयर बेसिक मोटर स्किल्स एंड बिकम्स वेरी फिजिकली एक्टिव. सो लुकिंग एट देयर एनर्जी एंड रैपिडली ग्रोइंग बॉडी द फैब्रिक्स प्रेफर्ड फॉर देयर गारमेंट शुड बी ईजी टू मेंटेन, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे स्टेन भी बहुत जल्दी कर लेते हैं अपने गारमेंट्स को. एट दिस एज देयर इज वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो उनके कपड़े ज्यादातर सेम साइज एंड शेप के ही बनाए जाते हैं. सो कैम्ब्रिक, पॉपलिन, कॉर्ड्रॉय, डेनिम, जर्सी नेट्स आर प्रेफर्ड, क्योंकि अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है तो वो इन फैब्रिक्स को भी अच्छे से हैंडल कर सकता है. सो ब्राइट कलर पैलेट, पॉपी कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स आर यूज्ड, स्ट्राइप्स, पोल्का डॉट्स, पॉपुलर थीम्स लाइक कार्टून कैरेक्टर्स आर ऑल्सो यूज्ड इन टॉडलर्स क्लोदिंग. द नेक्स्ट एज ग्रुप इज प्रीटीन एंड टीन क्लोदिंग. इस टाइम पे क्लोदिंग को डिजाइन करना काफी मुश्किल हो जाता है बिकॉज जो बॉडी होती है बच्चों की वो इवॉल्व कर रही होती है, उसमें काफी सारे चेंजेस आते हैं, तो उन चेंजेस को स्टडी करके और कपड़े बनाना काफी मुश्किल होता है. आपने मार्केट में नोटिस भी किया होगा कि जब आप टीनेजर थे तो आपके कपड़े बहुत मुश्किल से मिलते थे, अच्छे डिजाइन मिलते ही नहीं थे, बिकॉज एडल्ट और किड्स की क्लोदिंग हो जाती है, बट जो टीनेजर्स होते हैं उसमें बॉडी शेप और बॉडी का साइज जो है वो काफी चेंज होता है, इवॉल्व होता है, तो उनको समझना और हर एक बच्चे की नीड को कैटर करना काफी मुश्किल हो जाता है. प्री टीन रेफर्स टू चिल्ड्रन एज ग्रुप फ्रॉम 5 to 12 ईयर्स एंड टीन्स रेफर टू द एज ग्रुप फ्रॉम 13 to 18 ईयर्स. However, the adolescence stage is also from 15 to 18 years, which becomes a part of the teenage group. Preteen and teen age groups are characterized by onset of puberty in boys and girls, and this happens at slightly different age. On an average, the onset puberty is 10 or 11 years for girls. आजकल तो उससे भी ज़्यादा जल्दी हो जाता है. So, some of the most significant parts of pubertal development involves distinctive physiological changes in height, weight and body composition. The breast development in girls lead to dramatic change in their body shape. The size of the breast may also vary from girl to girl. Manufacturers and retailers are targeting a large market of licensed products for apparel, especially undergarments and nightwear section of preteen and teens. So this segment has character licensed clothing is closely related to adventure, sports and star icons mainly in sports, music or performing arts. तो आप देख सकते हैं किस तरह के पॉपी कलर्स और वाइब्रेंट डिजाइंस यूज करे जाते हैं. डेनिम्स, स्ट्रीट वेयर बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है अमंग टीनेजर्स. ओके, द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज ट्रिम्स. अब ट्रिम्स क्या होती है? ट्रिम्स कुछ ऐसी डेकोरेटिव और फंक्शनल डिटेल्स होती हैं जो कि गारमेंट पे अप्लाई करी जाती हैं किसी पर्पस से या कपड़े को और सुंदर बनाने के लिए, जैसे कि रिबन्स, लेसेस, कपड़ों की जो डिटेल्स होती हैं उनको एनहांस करने के लिए लगाई जाती हैं, एंड जिपर्स, बटन्स, कपड़ों की क्लोजर के लिए, उनके फंक्शनल यूज के लिए लगाई जाती हैं. सो एप्रोप्रिएट ट्रिम्स कैन एनहांस द ओवरऑल लुक एंड ऑल्सो इंक्रीज इट्स वैल्यू एंड प्राइस. तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ भी ट्रिम कहीं भी लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए. ट्रिम की प्लेसमेंट, ट्रिम की एप्लीकेशन के लिए भी कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको माइंड में रखने चाहिए. द फर्स्ट वन इज ट्रिम शुड कॉम्प्लीमेंट द डिजाइन ऑफ द गारमेंट. ऐसा नहीं कुछ भी उठा के लगा दिया. कॉस्ट ऑफ द ट्रिम शुड बी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द गारमेंट. ऐसा ना हो इतना तो गारमेंट कॉस्टली नहीं है जितना कि उसका ट्रिम कॉस्टली पड़ गया. मटीरियल यूज फॉर द ट्रिम शुड बी कंपैटिबल विद द फैब्रिक ऑफ द गारमेंट. ऐसा ना हो कि आपका फैब्रिक तो बिल्कुल ही वो है, डल है, और आपने ट्रिम एकदम
हैवी फैब्रिक की ले ली, ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, सो हियर वी विल डिस्कस फास्टनिंग. फास्टनिंग और ट्रिम में एक छोटा सा डिफरेंस है कि ट्रिम्स डेकोरेटिव डिटेल्स होती है, वाइल फास्टनिंग जो होती है वो फंक्शनल डिटेल्स होती है, जैसे कि बटन, जिपर्स एक्सेट्रा. और जो ट्रिम्स होती है वो डेकोरेटिव पर्पस से लगाई जाती है, जैसे कि लेसेस, रफल्स, रिबन्स एक्सेट्रा. सो अब हम सबसे पहले बटन्स को डिस्कस करेंगे. बटन्स क्या होते हैं? बटन्स फास्टनिंग होती है, मेनली क्लोजर के लिए यूज किया जाता है, अपने कपड़ों को बंद करने के लिए यूज करते हैं बेसिकली. अगर मैं आसान शब्दों में कहूं, अर्लियर पीपल हु यूज्ड बटन्स वर कंसिडर्ड मॉरली लूज बिकॉज दे कुड अनड्रेस मच फास्टर देन दोज हु यूज्ड रिबन्स एंड स्ट्रैप्स. सो पहले के लोग ये मानते थे कि जो बटन वाले कपड़े पहनता है उसका मोरल काफी डाउन होता है, उसको पता नहीं कहाँ की जल्दी होती है. लेकिन बटन लेटर ऑन बटन बिकेम द प्रेफरेंस ऑफ पीपल बिकॉज धीरे धीरे लोग काम करने लगे, वुमेन भी वर्किंग हो गई, तो फास्ट पेस में इसको अडॉप्ट कर लिया गया. टुडे बटन्स आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ साइजेस, शेप्स, मटीरियल, कलर्स एंड डिजाइन. फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक बटन्स भी आते हैं, वुडन बटन्स भी आते हैं, एंड राउंड बटन्स भी आते हैं, फ्लोरल बटन्स भी आते हैं, काफी सारे अलग साइजेस में भी आते हैं. बटन होल्स आर स्लिट्स मेड इन वन और टू पार्ट्स ऑफ अ प्लैकेट. सो एक प्लैकेट होती है जिसपे बटन लगा होता है, एक प्लैकेट होती है जिसपे बटन होल्स लगे हुए होते हैं. बटन होल क्या होते हैं? मेनली एक स्लिट होता है जिसमें कि आप बटन को पास करके उसको बंद कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज हार्डवेयर. हार्डवेयर फास्टनिंग्स क्या होती है? हार्डवेयर रेफर टू मेटल फास्टनिंग जो मेटल से बनी हुई होती है, यूज इन लगेज, मेनली लगेज और आपकी जो हैवी गार्मेंट्स होते हैं जैसे कि ट्राउजर्स, जैकेट्स, उसमें ज्यादातर यूज की जाती है. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज लीश क्लिप. इसको लीश क्लिप बोलते हैं, इसको स्नैप बटन बोलते हैं. बच्चों के कपड़ों में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. मैग्नेटिक बटन भी इसको बोला जाता है, एंड बकल, इसको ज्यादातर बेल्ट में यूज किया जाता है. द नेक्स्ट इज जिपर. जिपर भी हमारे गार्मेंट में एज अ क्लोजर काम करता है. सो इट इज अ स्लाइडिंग क्लोजर अप्लाइड ऑन स्ट्रेट प्लैकेट. इसको भी प्लैकेट में ही सीव किया जाता है. इट कैन बी यूज्ड एज फंक्शनल और डेकोरेटिव एलिमेंट्स, जैसे कि आपकी डेनिम जैकेट्स वगैरह में ये स्लीव्स पे अगर लगी होती है तो डेकोरेटिव पर्पस से लगी होती है, ठीक है, उसका कुछ यूज नहीं होता. लेकिन अगर ये प्लैकेट पे लगी होती है तो आप उसको बंद करने के लिए यूज कर सकते हैं. ये भी डिफरेंट मटेरियल, साइजेस, कलर्स में मिलती है. हैवी ड्यूटी जिपर्स भी होती हैं, ठीक है, जिसमें बड़े बड़े मेटल के पुलर्स लगे होते हैं. सो डेलिकेट कंसील जिपर्स आर ऑल्सो यूज फॉर इवनिंग गाउन्स एंड ड्रेसेस. ओके, द नेक्स्ट वन इज लेसिंग. इसको भी हम कपड़े को बंद करने के लिए यूज करते हैं. बेसिकली कॉर्सेट्स में लगी होती है, आईलेट्स में. ये जो आप गोल गोल मेटल की चीजें देख रहे हैं इनको आईलेट्स बोला जाता है. इसमें से स्ट्रिप्स को पास करके और फिर उसको लास्ट में टाई किया जाता है. सो लेसिंग आर यूज एज अ डिजाइन डिटेल टू क्रिएट अ काउबॉय या प्रेजेंट लुक. फैब्रिक लूप्स आर एन ऑल्टरनेटिव टू आईलेट्स. आईलेट्स की जगह फैब्रिक के ही लूप बना के भी लगाए जा सकते हैं. सो टाइज आर लाइक ब्रेड्स यूज टू सिक्योर एनी ओपनिंग इन द गार्मेंट. सो इसको डेलिकेट डिटेलिंग की तरह भी यूज किया जाता है. ओके, सो नेक्स्ट आर ट्रिम्स. लीनियर ट्रिम्स जो ज्यादातर सीधे सीधे स्ट्रेट कपड़ों पे, स्ट्रेट एजेस पे लगाई जाती है. सो बेसिकली चार टाइप की होती है. कॉर्डेड एज आउटलाइन, जिसमें कि एक अलग से एक रस्सी को लेके और उस एज पे सिला जाता है. कॉर्डेड सीम, यानी कि दो फैब्रिक जहां जॉइन होते हैं वहां पे इसको लगाया जाता है, सीम लाइन पे लगाया जाता है. फैगोटिंग ओपन वर्क, ये इस तरह का वर्क होता है जैसे कि आप थर्ड पिक्चर में लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं. मल्टी नीडल टॉप स्टिचिंग, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, डेकोरेटिव थ्रेड्स को स्टिच किया जाता है टू हाईलाइट द seams and highlight the designs. The next are shaped edges. So edges ko zaruri nahi hai straight hi rakhna hai, shaping bhi kar sakte hain edges ki.
इट इज एसेंशियली डेकोरेटिव बट आर नॉट फ्रीक्वेंटली यूज, क्योंकि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं वाइल ऑल्टरेशंस. सो द फर्स्ट वन इज स्कैलप्ड एज, जिसमें कि आप ये कर्व्ड एज देख रहे हैं, ये कर्व्ड एज को स्कैलप एजिंग भी बोलते हैं. लेटिस एज ये बेसिकली एक रफल स्ट्रिप होती है जिसके बीच बीच में स्टिच लगाई जाती है. क्रोशे ये ज्यादातर वूल से स्टिच की जाती है. एंड पीको एज ये ज्यादातर साड़ी वगैरह में यूज की जाती है. कहीं पे आपका फैब्रिक फ्रे हो रहा है वहां यूज करी जाती है, फैब्रिक को रोल करके और स्टिचेस लगाए जाते हैं. द नेक्स्ट आर फ्रिल्स एंड रफल्स, ये डेकोरेटिव डिटेलिंग करने के लिए यूज होती हैं. बहुत सारे टाइप की रफल्स होती हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, बेसिक स्ट्रेट, स्ट्रेट लेस, सर्कुलर प्लीटेड एरिया. सर्कुलर के भी अलग तीन टाइप्स होते हैं, कैस्केड, जैसे कि आप इसमें ये रेड और ब्राउन कलर का देख रहे हैं. ये जो रफल है इसको कैस्केडिंग रफल बोला जाता है. लार्ज रफल एट द हेम, हेम मीन्स स्कर्ट की एज पे इसको सिला जाता है. एंड वायर्ड एज की भी रफल्स होती हैं, जो कि आप ये ब्लू में देख सकते हैं. इसमें एक वायर को लगा के उसको एक पर्टिकुलर शेप में अटैच किया जाता है. नेक्स्ट इज ब्रेड्स, रिबन, रिक्रैक. ये भी गार्मेंट्स को डेकोरेट करने में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं. जो आप जिगजैग रिबन्स देख रहे हैं इनको रिक्रैक बोला जाता है. रिबन्स भी यूज किए जाते हैं ज्यादातर बच्चों के गार्मेंट में, उसको बो बना के भी लगाया जाता है. काफी सारी चीजें होती हैं जो गार्मेंट को डेकोरेट करने के लिए यूज की जाती है. द नेक्स्ट इज एप्लीक्स एंड पैचेस. आप देखते होंगे मार्केट में कुछ ऐसे बीड्स वाले या डेकोरेटिव पैचेस मिलते हैं जिनको कि बस साड़ी पे आप स्टिच कर सकते हैं, तो उसको एप्लीक वर्क बोला जाता है. मीन्स आप कोई दूसरा फैब्रिक लेके एक साड़ी पे अगर अटैच कर रहे हैं तो उसको अप्लाई कर रहे हैं आप. एक पैच को आपने साड़ी पे अप्लाई करा तो उसको एप्लीक वर्क बोला जाता है. ये चिल्ड्रंस वेयर में, होम डेकोर में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. एंड इट ऑल्सो गिव्स. ओके, द लास्ट इज स्टड्स एंड हीट ट्रांसफर पिन. तो ये क्या होते हैं? बेसिकली स्टड्स वर फर्स्ट यूज बाय लेवाई स्ट्रॉस एज अ मीन्स ऑफ रिइंफोर्सिंग द सीम्स ऑन वर्क पैंट्स डिजाइन्ड फॉर माइनर्स ड्यूरिंग द गोल्ड रश इन कैलिफोर्निया. तो ये बेसिकली एक पर्टिकुलर यूज के लिए डिजाइन किए गए थे. द रिवेट फास्टन पॉकेट्स एंड सीम्स आर वेरी ड्यूरेबल, क्योंकि वो जल्दी से टियर नहीं होती है. तो आपने जीन्स में, ये अपनी जीन्स में लगे हुए देखा होगा, इनको रिवेट्स भी बोला जाता है. ये आपकी पॉकेट को जल्दी से टियर होने से बचाती है. सो मॉडर्न स्टड्स आर वेरी डेकोरेटिव एज वेल एज फंक्शनल. वेरिएशन ऑफ स्टड्स इंक्लूड रिवेट लाइक नेल हेड्स एंड राइनस्टोन्स. तो आजकल बहुत ज्यादा डेकोरेटिव स्टाइल्स में भी ये आती है. नेक्स्ट इज हीट ट्रांसफर प्रिंट. दीज ट्रिम्स आर हीट सेट ऑन गार्मेंट. तो गार्मेंट में आप इसको जस्ट आयरन करके या हीट प्रोवाइड करके इसको गार्मेंट में लगा सकते हैं. ये इस तरह के रिबन टेप्स भी होती हैं और भी बहुत सारे टाइप के हीट ट्रांसफर प्रिंट्स आते हैं. ओके, सो दिस इज इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक माई वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड आई होप दिस हेल्प्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. And all the best for your board exams. Thank you so much for watching.